पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भोला सिंह की मलक में स्मृति द्वार बनाने के लिए लंबे समय से की जा रही मांग पर जनपद की सरकार ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुन लिया और आज स्वर्गीय रवि कुमार स्मृति द्वार का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर मुरादाबाद विधायक रितेश गुप्ता ने मंच से बोलते हुए कहा कि क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बहुत पहले से मांग की जा रही थी कि स्वर्गीय रवि कुमार के नाम पर स्मृति द्वार बनवाया जाए। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान का आभार जताते हुए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का, जिन्होंने शपथ होने के बाद ही लोगों की मांग पर विचार किया और स्मृति द्वार बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले हमारे रवि कुमार का नाम हमेशा अमर रहेगा, ऐसे युवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे युवा शहीद हुए रवि कुमार हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे स्मरण पर उनकी यादें हमेशा बनी रही रहेंगी, क्योंकि समानता जो उसका योगदान समाज के जीवन में हमारे समाज के लिए रहा उसकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों की बनी रहे, इसका प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये ध्यान रहे मुरादाबाद में एक ऐसा लाल भी पैदा हुआ जिसने पर्वतारोहण के क्षेत्र में बड़ा काम किया और अनेक चोटियों को अपने प्रयास से फतह किया, उस पर विजय प्राप्त की। कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में पूरे देश भर में हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन किया, उसकी ऐसे में निधन के कारण हम सब लोग के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है सार्वजनिक क्षति, हम सबका प्रयास है तो उसने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसके जो सपने थे उन सपनों को हमें पूरा करना, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा प्रयास है कि उसके ध्यान का जीवन हम लोग के ध्यान में बना रहे, उसके लिए ये स्मृति द्वार शिलान्यास जिला पंचायत के द्वारा हो रहा। मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का विधायक जी का सबका इस अवसर पर उपस्थिति के उनका अभिनंदन करता हूं और उनके प्रयास से हम इस काम को इस विषय को सफलतापूर्वक कर पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है हमारी आजादी, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग जिनके बलिदान के द्वारा आज हम सब लोगों को एक आजाद देश के नागरिक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, आजाद है। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की लंबित मांगों पर विचार करते हुए जल्दी से इसे बनाने का निर्णय लिया और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिला पंचायत के नए कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ऐसा जनपद है जहां पर सबसे पहले शिलान्यास किसी कार्य का किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वर्गीय रवि कुमार के परिवारजनों ने भी सभी का आभार जताया और कहा कि भाजपा सरकार ने जो उनके सुपुत्र को सम्मान दिया है उसे वो कभी नहीं भुला पाएंगे। आज भोला सिंह की मिलक में हमने जो हमारे मुरादाबाद के बहुत ही लोकप्रिय पर्वतारोही थे स्वर्गीय रवि जी, उनकी स्मृति में आज स्मृति द्वार का शिलान्यास करा है और 15 अगस्त का दिन है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, देश के लिए गौरव का दिन है और
रवि जी हमारे मुरादाबाद के गौरव थे, तो विश्व में हमारा मुरादाबाद का उन्होंने नाम बढ़ाया, इसलिए आज हमने सोचा कि इसी दिन आज हम शिलान्यास रखेंगे। विधायक जी रितेश गुप्ता जी और हमारे मंत्री जी भूपेंद्र चौधरी जी के हाथों द्वारा ये शिलान्यास हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम आपको 1.5-2 महीने के अंदर ही लोकार्पण के लिए भी बुलाएंगे। आज सबसे पहले तो समस्त महानगर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भोला सिंह की मिलक में जिला पंचायत अध्यक्ष जी डॉक्टर शेफाली चौहान जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रवि कुमार पर्वतारोही मुरादाबाद की शान थे। मुरादाबाद का नाम उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। ऐसे शहीद रवि कुमार जी की याद में आज उनके गांव में भोला सिंह की मिलक में स्मृति द्वार का शिलान्यास किया गया है। एक वादा भोला सिंह मिलक की के गांव के निवासियों से किया गया था कि उनकी याद में एक स्मृति द्वार यहां बनेगा। इस स्मृति द्वार के लिए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, उनको भी मैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज मेरी विधानसभा के इस गांव में आए और रवि कुमार स्मृति द्वार का शिलान्यास किया और साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद सैनी जी, इस गांव के प्रधान रमेश कुमार जी और रवि के सभी परिवारजनों का, इस गांव के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम, रवि कुमार की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।